तो पटना से 38 से 40 घंटे का सफर करके हम पहुंच गए जोधपुर। और ये लहंगा दिक्कत तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल रंग बिरंगा हम जोधपुर से आ चुके हैं अपने रंगीलो राजस्थान में। और इसके साथ ही सब लोग कमेंट कर रहे थे पिछले व्लॉग पर कि आप फ्लाइट से क्यों नहीं गए, इतना लंबा सफर आपने क्यों ट्रेन से तय किया मेरा जर्नी देखकर। तो मैं आपको बताऊं कि फ्लाइट से जाना तो बस वही हाल हो जाता है, एक तो मेरा ऐप बंद हो ही रखा है, बस गरीबी में आटा गीला हो जाता और कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। और घर आने के बाद मम्मी ने किया हमारा अच्छे से स्वागत और टीका चंदन लगाया, मुंह मीठा कराया। वैसे तो इस बार हम आए हैं, एक ऐप बंद हो चुका है, जंग हार के ही आए, बट कोई नहीं, इस बार मम्मी ने इतने बढ़िया से टीका चंदन किया है कि आप जंग जीत कर ही लौटेंगे। और आई तो थी थोड़े कम समय के लिए जोधपुर, और बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे कि आप कितने समय के लिए आए हो, तो मैं आपको बताऊँ कि अभी तो मैं जस्ट आई हूँ, तो अभी कैसे कह सकती हूँ, पहले कम समय का सोची थी, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं थोड़ा लंबा टिकना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऐप मेन ऐप जो था वो बंद हो चुका है। तो बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देना ताकि हम फिर वापस साथ रह पाए, डीजे चले जाएंगे रांची और मैं रह जाऊंगी जोधपुर में। और बच्चे यहाँ पहचानने की कोशिश कर रहे थे अपने बाबा दादी को। और इसके साथ ही मैं गई नहाने धोने, नहा धो करके आई हूँ, गर्मा गर्म खाना खा रही हूँ। मम्मी ने बनाया था शाही पनीर, खीर और रोटी, मम्मी पूरी का पूछी थी बट हम ही ने कहा था कि रोटी खाएंगे। और ये बाबा धाम का चूड़ी मम्मी के लिए लाई थी, और जनेऊ लाई थी पापा के लिए, और सिंदूर लाई थी मम्मी के लिए। तो ये सब मैं जा रही थी अगली सुबह देने के लिए। और कनिका को यहाँ बैठा कर रजाई के बीचों बीच मैं कर रही थी सारा अपना कपड़ा सेट अलमारी में, क्योंकि पूरा ऐसे ही फैला हुआ था घर में और अब तो यही रहना है, तो सब कुछ सेट वेट किया है, अभी पूरा सेट नहीं हो पाया। और मैं बाल धोकर के आ गई थी छत पे सुखाने के लिए। और इसके बाद मेरी मम्मी का आ गया था वीडियो कॉल, तो मम्मी से थोड़ी देर किया हमने वीडियो कॉल पर बहुत सारी बातें गपशप, और मम्मी याद कर रही थी अनमोल को, कनिका को। तो बस इसके बाद बातचीत करने के बाद मैं लगूंगी कुछ और काम में, लेकिन फिलहाल देख रहे हो कनिका कितने प्यार से देख रही है अपनी नानी को, क्योंकि नानी टाइम टू टाइम मालिश किया करती थी कनिका की। और कनिका मैं मिस कर रही हूँ अपनी नानी की मालिश को, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मालिश करती है मेरी मम्मी। और इस बार मैं सीख के तो आई हूँ, मुझे उतने अच्छे से नहीं आता था, मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रही थी जो कि सीख के आई हूँ और व्लॉग में डालूंगी आप लोगों के लिए भी, कि और भी क्या क्या आपको करना चाहिए बच्चों की मालिश करते वक्त। तो ये रही हमारी क्यूटू सी कनिका, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।